Hi guys, I'm Dr. Rajat. आज मैं दिखाना चाहूँगा anterior implant aesthetics का एक challenging case जिसमें हमने extraction किया, immediate implant placement किया, nasal floor को कैसे आपको engage करना है, perforate कैसे करना है और implant कैसे place करना है, immediate loading दे रहा हूँ patient को, same day implant place किया और उसके बाद कल या परसों में पेशेंट को फिक्स दांत दे देंगे, उसी को बोलते हैं टीथ इन अ डे इम्प्लांट्स इमीडिएट लोडिंग। अब ऐसे केस में एंटीरियर में आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज एस्थेटिक्स है, दांत सुंदर होने चाहिए, शेप प्रॉपर होनी चाहिए, एंगुलेशन स्पॉट ऑन होना चाहिए। दो लैटरल्स निकाले हैं मैंने और एक सेंटर निकाला है। पेशेंट 37 ईयर्स की है और ट्रिकी होते हैं केसेस एंटीरियर के, बिकॉज इम्प्लांट की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। उसमें आपको कितने mm का इम्प्लांट डालना है, स्कैन आपको हेल्प करेगा, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोन डेंसिटी क्या है, तो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में एक्सट्रैक्शन, फिर फोटोडायनामिक थेरेपी, प्योर क्योर अटैच करके एक अच्छा सा फ्लैप, और ऐसे केसेस में मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि फुल थिकनेस फ्लैप हो, अच्छी फ्रिनेक्टमी हो, और उसके बाद नेसल फ्लोर को एंगेज करना ज़रूरी है। उसके बाद आप सेप्टा पे एंगेज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नेसालिस इम्प्लांट्स। अब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अब दिखाना चाहूँगा, पहले एक्सरे हमने कैसे प्लानिंग किया, उसके बाद फिर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। अब ये देखिए, अब दिस वॉज द केस, यू नो यू कैन कम दिस साइड, अब यू कैन जस्ट सी हियर, यहाँ पे मैंने ये वाले जो लैटरल्स थे ये निकाले थे मैंने, यहाँ पे यू कैन जस्ट जूम इट, यू नो, हाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लैटरल्स, ये सेंटर निकाला था, फेल्ड रूट केनाल है, तो इसी वजह से हमें दांत निकालने पड़ गए। बहुत सारा बोन लॉस था, कैनाइन हमने रिटेन किया है, कैनाइन में अच्छी बोन है, ग्राफ्टिंग कर दूंगा वहाँ पे भी अच्छी बोन डेवलप हो जाएगी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे ये वाला एक्सरे, हाँ आप देख सकते हैं, जब मैंने पूरा का पूरा क्यूरेटाज किया, उसके बाद पूरा यहाँ पे जो सेप्टा था नेसल फ्लोर को एंगेज करते हुए अच्छा सा फ्लैप, और मार्किंग कर सकते हैं आप, तो उसके बाद फिर अच्छा कोरोनल शेपिंग, उसके बाद देख सकते हैं जब मैंने लैंथ ड्रिल से प्लानिंग किया, आप देख सकते हैं कैनाइन आपका रिटेन है, बिल्कुल पैरेलल पैलेटल और 1.5 डिस्टेंस दांत से बिल्कुल अच्छी पैलेटल प्लेसमेंट होगी और स्पॉट ऑन एंगुलेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑन द अदर साइड, और यहाँ पे भी कैनाइन पे थोड़ा सा बोन लॉस है, हम बोन ग्राफ्टिंग कर देंगे और अच्छा एंगेजमेंट मिल, मुझे इसमें 80 NCM टॉर्क मिला है, तो इसका मतलब मैं इमीडिएट लोडिंग दे रहा हूँ। अब इम्प्लांट प्लेसमेंट दिखाना चाहूँगा आपको, यू कैन जस्ट सी हियर, यहाँ पे ये मेरा 3.75 13 mm का इम्प्लांट है, और ये दोनों 13 mm के इम्प्लांट है, आप देख सकते हैं दिस वॉज द नेसल फ्लोर मैंने एंगेज किया और यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या है और एंगुलेशन क्या रहेगा, अब मैं आपको इंटरप्रेट करना चाहूँगा जहाँ पे हमने एक्सरे किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक नाउ, यू कैन जस्ट, अब यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो फ्लैप था और उसके बाद पूरा का पूरा फुल थिकनेस फ्लैप पैलेटल प्लेसमेंट, और मैं अब दिखाना चाहूँगा जो मैंने फ्लोर एंगेज किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो मैंने एंगेज किया, यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं, आपको पता दो इम्प्लांट मैंने यहाँ प्लेस किए हैं और उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि फ्लोर नेसल फ्लोर, ये देखिए आपको ये मार्किंग क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे आप साइनस मेम्ब्रेन को रिलीज करते हैं मैंने वैसे ही किया है, और आपको अच्छा एंगेजमेंट मिला। मैं हमेशा मार्क कर लेता हूँ पैलेटल प्लेसमेंट यहाँ पे, और उसके बाद सेम क्रेस्ट पे आपको अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा। तो अच्छे केसेस होते हैं इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा एंगेजमेंट यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको ये वाला और ये वाला एरिया यहाँ पे, तो आप यहाँ तक एंगेज करेंगे और यहाँ पे मैंने इम्प्लांट प्लेस किए हैं, दो इम्प्लांट, सॉरी इमीडिएट लोडिंग दे रहा हूँ पेशेंट को। तो ऐसे ही केसेस होते हैं जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको अच्छा, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे केसेस में है एक सुंदर सा फ्लैप, अच्छा एंगेजमेंट, नेसल फ्लोर को अच्छा एंगेज करो, उसके बिना इम्प्लांट डालना बेवकूफ़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना है आपको, मैंने हमेशा कहा है अगर पैलेटल प्लेसमेंट होगी, अब ऑस्टियोटमी, पैलेटल टू द सॉकेट, जंपिंग डिस्टेंस, ग्राफ्टिंग, हमेशा ग्राफ्ट आप बकल में डालेंगे तभी आपकी एंगुलेशन स्पॉट ऑन रहेगी। अब क्लिनिकल दिखाना चाहूँगा ये केस इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद, आऊँगा इम्प्लांट की प्लेसमेंट, और अब मैंने इंप्रेशन कोपिंग लगा ली है। अब मैं हमेशा कोशिश यही करना है कि जब आप इंप्रेशन कोपिंग लगाएं उसके बाद आप फ्लैप अप्रॉक्सीमेट करेंगे और उसके बाद इंप्रेशन ले लेंगे। यहाँ देखिए फुल थिकनेस फ्लैप है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्लोर का एंगेजमेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइनिंग है फ्लोर की, यहाँ पे जो लाइनिंग है
फ्लोर की मुझे अच्छा एंगेजमेंट मिला है, यहाँ पे मैंने दो इम्प्लांट केस किए, पैलेटल टू द सॉकेट है, तो अच्छा एंगेजमेंट है। उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपके पास क्या लेवल रहेगा जहाँ पे आपको प्लेस करना है। मेरा देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पूरा फ्लैप बकल और लिंगुअल अप्रोक्सीमेशन आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एक दो थ्रेड्स यहाँ पे एक्सपोज्ड है, दोनों का लेवल सेम रहेगा और उसके बाद आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा इसमें। तो ऐसे ही केसेस हैं जहाँ पे अब मैं एक बार आपको दोबारा से क्लिनिकल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो मैंने फ्लोर, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला ये है नेसल फ्लोर, ये देखिए मैंने पूरा का पूरा रिलीज़ कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी फ्रिनेक्टमी की है मैंने, तो वो शेपिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में, तभी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा इन केसेस में। थैंक्स।